गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास ऑफ दिस सेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा हैंडलिंग चैप्टर। हमने ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ था डेटा हैंडलिंग चैप्टर को, लेकिन फिर एग्ज़ाम्स आ गए थे। एग्ज़ाम्स होने के बाद में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर वापस से शुरू किया जाए। और चूँकि ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें जो भी बुक में लैंग्वेज दिया हुआ है, उस लैंग्वेज को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिस आपके एंड से होना है वो तो पहले जैसे क्लासरूम प्रोग्राम में जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही होना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा मैं टास्क दूंगा वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, उन चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस तुम कलेक्ट करते हो उन्हीं को डेटा बोलते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। मान लो तुम्हें जानना है कि तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी वेट कितनी है, तो हर एक बच्चे से तुम वेट उसका पूछोगे। तो उनके डेटा को, उनके वेट को जो है उनके नाम के सामने जब आप लिखोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक डाटा कलेक्ट कर रहे हो अपनी क्लास का। आप जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जब भी आप लॉगिन वगैरह करते हो या साइन अप करते हो, तो उसमें आप अपने डिटेल्स डालते हो। वो सारे डिटेल्स उनके सर्वर पे सेव होता है, जिस भी तुम वेबसाइट पे जाके अपना साइन अप वगैरह करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी तुम डेटा डाल रहे हो, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट मिनिमम उनको है जिसकी वजह से वो तुम्हारा प्रोफाइल बना पाएंगे, वो सारा डेटा वो तुमसे कलेक्ट कर रहे हैं। इन द सेम मैनर जब आप स्कूल में आते हो, आपकी फ़ीस जमा होती है, आपके कब आपके ड्रेस वगैरह के लिए कुछ कुछ डेटा लिखे जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वहाँ पे भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आज के टाइम में, चूँकि डेटा बहुत सारे तरह के इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आज हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन सच एज रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है, तो उसके बारे में सब जानते हैं कि कितने उसने शतक बना रखे हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर तो विराट कोहली का अभी तक का जितना भी कैरियर रहा है, इंटरनेशनल कैरियर रहा है, उन सब का डेटा कलेक्टेड होगा कहीं ना कहीं पे, और उसमें जितने भी रन्स बनाए हर एक मैच में सारा रन जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, और उसमें कितनी बार 100+ बनाया वो भी लिखा हुआ होगा। तभी ना आज हम बता पा रहे हैं कि इतने शतक अभी तक बनाए और 71st या 72nd शतक अभी तक नहीं बना पाया है। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करके कहीं पर रखा जाता है और उसका पता नहीं कब यूज़ में आ जाए वो, तो इसलिए उसको सेफ रखते हैं। अगर तुम्हारे पास में फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, तो फॉर्मेट करने से आप घबराते हो। क्यों घबराते हो? क्योंकि आपके फ़ोन में जो डेटा कलेक्टेड है वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, फिर वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ना करना पड़े इस वजह से आप प्रेफर करते हो कि डेटा को जो है या फ़ोन को फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs, मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस दैट वी वांट टू स्टडी। तो डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम, उन्हीं चीज़ों का कलेक्ट करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, या फिर हम जिस चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वहाँ पे हो सकता है अगर डेटा हेल्प करे, तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ए टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास और हिज क्लास। टू फाइंड दिस शी और ही विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास और हिज क्लास, ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। तो डेटा सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता है, डेटा को अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि मान लो जिसकी हाइट सबसे छोटी है उसका नाम सबसे पहले लिख दिया गया, जिसकी हाइट
सबसे बड़ी है उसका नाम सबसे पहले लिख दिया गया, या फिर रोल नंबर के हिसाब से हाइट सबकी लिख दिए जाए। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके से अरेंज किया जा सकता है डेटा को। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हाइट को लिखा जाए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होगा उस डेटा को पढ़ना, रादर देन अगर रोल नंबर वाइज तुमने डेटा लिखा है हाइट का। तो हाँ, रोल नंबर किसी और जगह पे काम कर सकता है, ठीक है। तो समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस? तो एक पिक्टोग्राफ तो सबको पता होगा कि पिक्टोग्राफ में दिखाया होगा कि एक कार दिखाया है, वो कार शो कर रहा है कि एक कार बराबर 100 कार्स हैं। तो अगर जुलाई के महीने में दिखा रहा है कि कार्स जो बेचे गए, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बिके हुए कार हैं उनके बारे में बता रहा है। लेट मी सी, हाँ, प्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, याद रहे कि जब भी हम पिक्चर के फॉर्मेट में किसी भी तरह का टेबल बनाते हैं जिसमें डेटा वगैरह लिखा हुआ होता है, उस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। इस ग्राफ में दिखा रहा है कि कार्स जो मैन्युफैक्चर हुई हैं उनके बारे में इसमें डिटेल्स दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जुलाई के महीने में 2.5 कार्स बने। 2.5 कार्स मतलब 1 कार अगर 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 कार्स 200 कार्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हाफ कार जो है कितना कार्स को रिप्रेजेंट करेगा? 50 कार्स को। इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जुलाई मंथ इज 250 कार्स। अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो 3 कार्स, एक कार अगर 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता है तो 3 कार्स कितने कार को रिप्रेजेंट करेगा? 300 कार्स को। इन द सेम मैनर सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पे बेस देखो, 2 क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हो। यही नहीं, इनके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो और उनका आंसर तुम खुद दे सकते हो। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किस तरीके से किया है, मंथ वाइज, ऐसा नहीं कि जुलाई पहले लिख दिया फिर उसके बाद सेप्टेम्बर लिख दिया फिर अगस्त लिख दिया, या फिर अगस्त सबसे पहले लिख दिया फिर जुलाई लिख दिया। यहाँ पे मंथ वाइज प्रोडक्शन को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? आराम से बता सकता हूँ। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस? साफ साफ देख के ही लग रहा है, पिक्चर देख के लग रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्स नजर आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा, उस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है। पिक्टोग्राफ तो हो गया, इसके बाद में बार ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ के बारे में सबने पहले से पढ़ा हुआ है और हमने पहले से डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था। इस बारे में मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो भी बार होते हैं, बार की जो विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए और 2 बार के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बार ग्राफ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन यूजिंग विड्थ, हाइट एंड इन सम प्रोपोर्शन, राइट। तो इसमें देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। बार की हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बार की बात करूं तो इसकी जो मोटाई है और इसकी मोटाई जो है वो सेम होगी, और अगर मैं बात करूं इनके बीच के गैप की तो इन दोनों बार्स के बीच में जो गैप है और इन दोनों जो बार्स के बीच में गैप है वो हमेशा ही सेम होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें देखो बताया हुआ था कि बार की जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसमें देखा जाए कि वाई एक्सिस पे लिखा हुआ नंबर ऑफ, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 और एक्स एक्सिस पर दिया हुआ एकेडमिक ईयर्स, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ देख के ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि कौन से साल में क्लास 8 में कितने बच्चे रहे। तो क्लियरली एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बार की हाइट लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब हर साल जो नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। 2003-04 में जहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 2004-05 वाले सेशन में 200 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, 2005-06 में
250 स्टूडेंट्स हैं, 2006-07 में 300 स्टूडेंट्स थे और 2007-08 में 350 स्टूडेंट्स थे। तो किसी एक स्कूल का ये डेटा दिखा रहा है और उस स्कूल के क्लास 8 का डेटा दिखा रहा है जो कि ओवर द ईयर्स कैसे इंक्रीज कर रहा है वो बता रहा है। क्या इतना इन्फॉर्मेशन दिया, इस पर बेस्ड अगर ये जो 3-4 क्वेश्चन दिए हो आराम से कर सकते हो या नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। तो ये तो हो गया बार ग्राफ। अब इसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ को हम कब बनाते हैं, कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब टू सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली शो करना पड़ता है। जब टू सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली शो करना पड़ता है, इस सिचुएशन में डबल बार ग्राफ को दिखाना होता है। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो एग्जांपल दिया है इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, और कौन कौन से ईयर की का कंपेरिजन कर रहा है, 2005-06 वाले सेशन का 2006-07 के सेशन से कंपेयर कर। इसका मतलब ये हुआ अगर पहले वो क्लास 7th में होगा, अब वो क्लास 8th में है, तो पिछले साल और इस साल में क्या अंतर रहा मार्क्स में वो बता रहा है। मैथ्स में साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ब्लैंक बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2005-06 वाला सेशन, और जो ये सॉलिड बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2006-07 वाला सेशन। तो मैथ्स वाले सब्जेक्ट में क्लियरली दिख रहा है कि पिछले साल या क्लास 7th में 30 मार्क्स वो लेके आया था, लेकिन क्लास 8th में वो 60 मार्क्स लेके आया वो बच्चा। इन द सेम मैनर साइंस में 50 पिछले साल लेके आया था, इस साल 55 लेके आया है। पिछले साल सॉरी ये सोशल साइंस का था, पिछले साल साइंस में 50 मार्क्स लेके आया था या 45 मार्क्स लेके आया था और इस साल 50 मार्क्स लेके आया। पिछले साल बच्चे ने मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश में मन लगता था, 50 मार्क्स लेके आया था, लेकिन इस साल थोड़ा सा पुअर रह गया तो 45 ही रह गया। पिछले साल हिंदी में जितने मार्क्स आए थे इस साल भी उतने ही हिंदी में मार्क्स आए। और हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस साल हिंदी में जितने मार्क्स आए मैथ्स में भी उतने ही मार्क्स आए, ठीक है। तो इस तरीके से करके तुम डेटा को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। इससे बेस ये जो 4 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार ऑफ अ बार ग्राफ वुड इट चेंज द इन्फॉर्मेशन बींग कन्वेड। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैंने पिछला ग्राफ अगर ले लिया, मैंने ये बार ले लिया मान लो, ठीक है, इस बार में ये 2004-05 वाला जो बार था इसको यहाँ से हटा के कहीं और मैं ले जाता, तो क्या इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज आ रहा है? तो आंसर है इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम ये कि अब उतना ऑर्गेनाइज ये डेटा नहीं रह गया, तो अब इस डेटा को पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो मैंने सभी लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, ये 3 एग्जांपल्स से इन पे बेस जो है वो पूरा ग्राफ वगैरह बनाना था, और जो भी ग्राफ तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे वो ग्राफ तुम बना सकते थे, ठीक है। डबल बार ग्राफ बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, पिक्टोरियल ग्राफ बना सकते हो, या जो भी जैसे भी तुम्हें सही लगे। अभी तक हमने यही 2-3 देखा है। फिर उसके बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मेरा मन कर गया कि क्लास में जो भी बच्चे हैं उन सब का वेट मुझे पता करना है, तो हर एक बच्चे से जाके पूछोगे और रैंडम मैनर में पूछोगे, तो सभी का डेटा जो लिखोगे तुम वो बिल्कुल रैंडम होगा। बाद में तो तुम उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज करने से पहले जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो उस डेटा को रॉ डेटा कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी पैटर्न नहीं होता है, बिल्कुल रैंडमनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में डेटा को इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स, द रिजल्ट वर एज लिस्टेड बिलो। तो हर एक बच्चे से पूछा गया, पहले बच्चे ने आर्ट्स बोल दिया, दूसरे मैथमेटिक्स बोल दिया, किसी ने साइंस बोला, चौथे ने इंग्लिश बोला, पांचों ने मैथ्स बोला, फिर आर्ट्स किसी ने बोल दिया, फिर किसी ने इंग्लिश बोल दिया। तो अब तुम देख सकते हो कि जो ये जो सब्जेक्ट्स के नेम थे वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि रैंडमनेस है
तो हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए टेक्निक क्या निकाली, विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड। क्या इस क्वेश्चन का आंसर तुम बस इतना सा डेटा देख के दे सकते हो? इतना सा डेटा अगर मेरे पास पड़ा हुआ हो, ये तो मान लो छोटा सा डेटा है, इस पे बेस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आराम से दे सकते हो? देने का दे सकते हो, अगर छोटा डेटा है तो दे लोगे, बहुत ज़्यादा डेटा था तो फिर नहीं दे पा रहे, और यहाँ पे भी तुम्हें टाइम लगेगा डेटा देने में। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक छोटा सा टेबल बना दिया, ठीक है, टेबल बना दिया, और उस टेबल को इस फॉर्म में हमने देख लिया, ठीक है। इस टेबल में क्या दिखा रहा है कि एक सब्जेक्ट है आर्ट, आर्ट में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने बोला कि जो है मुझे पसंद है, टोटल 7 स्टूडेंट्स ने बोल दिया, ठीक है। तो इसको जो है टैली मार्क्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिक्स में 5 स्टूडेंट्स ने दिखाया, साइंस ने 6 स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया, इंग्लिश में 4 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। तो अब जो है, अब मेरे पास जब ये डेटा आ गया, क्या अब इन चीज़ों को देख के इनको सॉल्व कर पाना ईजी हो जाएगा? यस, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी, जैसे आर्ट, आर्ट सब्जेक्ट दो तीन बार कई बार रिपीट हो रहा था, कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसी को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स, इसका मतलब ये, वो आर्ट 7 बार अकर किया तो 7 फ्रिक्वेंसी हो गई आर्ट की, ठीक है। और उसी वेज जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया। उसके बाद जो है एक ये कुछ ट्राई करने को बोल रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसी रैंडमनेस है डेटा में, और इस डेटा के रैंडमनेस को टेबल के फॉर्म में या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही बस आज का काम है। बाकी हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ डेटा देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करेंगे और जो जो भी टास्क दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है।